हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका भाई अमन आ चुका हूँ नए ब्लॉग के साथ में आप लोग के बीच में। और जैसा कि आप देख सकते हो, मैं तैयार हूँ अपने इंस्टीट्यूट जाने के लिए। और आज की टाइमिंग कुछ और है, आज टाइमिंग 12 बजे से है। तो चलता हूँ रास्ते में और आपको दिखाता हूँ कि और क्या क्या होता है फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट में। बताता हूँ आपको, दोस्तों के साथ मस्ती और सारी चीज़ें आपको सब कुछ दिखाऊंगा। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ और अब आपसे मिलते हैं सीधे गाड़ी में। काफ़ी भाइयों का DM आया था इंस्टा पे और जो भाई मुझे जानते थे पर्सनली उन्होंने व्हाट्सएप भी किया कि भाई जो फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट है आपका, तो क्या ये जॉब की गारंटी लेता है, मतलब कि आप इसका कोर्स कर लो तो 100% गारंटी है कि जॉब लग जाएगी। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 100% जॉब की गारंटी होती है, क्योंकि भाई जो भी इंटरव्यू होगा या कुछ भी होगा वहाँ आप ही को जाना होगा। कहीं भी आप किसी भी कोचिंग से, अगर आप किसी भी चीज़ की कोचिंग कर रहे हो, तो अगर आप मान लीजिए आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप नेवी की कोचिंग कर रहे हो, तो भाई अगर नेवी का जब एग्ज़ाम होगा तो पेपर तो आपको ही देने जाना होगा ना। अब आपकी जगह आपके सर थोड़ी देने जाएंगे, ऐसे समझ सकते हो आप। तो फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट जो है वो आपको पूरा ट्रेन कर देगा, पर इंटरव्यू आपको खुद ही क्रैक करना होगा। इतना तो भाई कॉमन सेंस सबके पास होना चाहिए। जो भाई को कन्फ्यूजन थी, सबकी कन्फ्यूजन मैंने इसीलिए ब्लॉग में बता दिया। कई कुछ भाइयों ने मुझे DM भी किया था, कुछ ना 10-15 लोगों ने मुझे DM किया था इंस्टा पे कि भाई फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट जो ब्लॉग देखे थे उन्होंने मुझसे पूछा था। तो भाई अब निकल चुके हैं हम अपने इंस्टीट्यूट के लिए, दिखाते हैं आपको आज क्या क्या होने वाला हमारे इंस्टीट्यूट में। भाई 3 दिसंबर को मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए अपने लेट हो रहा था, तो मैं ये मानता हूँ कि मैं उस दिन तेज ड्राइव कर रहा था अपनी कार। तो उस दिन उकरैल बंधे पे जो नई वाली रोड बनी है उस पे स्पीडोमीटर लगे हैं, तो वहाँ पे सब गाड़ियों की कौन सी गाड़ी कितनी तेज चल रही है उसकी स्पीड उस पे रिकॉर्ड होती है। तो मुझे ये चीज़ मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। तो भाई कल रात में ऐसे ही बात हो रही थी, तो मैंने कहा मेरी गाड़ी पे आज तक एक भी चालान नहीं है। तो ये हुआ कि ठीक है चेक करते हैं। तो संदीप ने देखा, जो मामी का लड़का है मेरा संदीप ने देखा, तो पता चला कि 2000 का चालान मेरी गाड़ी पे भी आ चुका है। वहाँ स्पीड जो लिमिट थी वो 60 की थी और मैं चल रहा था 84 पे। तो भाई 2000 का चालान आ चुका है, भरना होगा। ये पहला चालान है इस गाड़ी पे, वरना इससे पहले आज तक कभी चालान नहीं हुआ था। रिकॉर्ड ख़राब हो गया अपना इस गाड़ी का। इससे पहले भी जो हमारी इनोवा थी उस पर भी एक भी चालान नहीं था। अब का नहीं पता, पर पहले का एक भी चालान नहीं था। ये पहली बार चालान हुआ है और वो भी अनजाने में हो गया, मुझे पता नहीं था, वरना फिर ना ही होता। देख लो फ्रैंकलिन, तुम्हारे वजह से 2000 का चालान हो गया, फीस में कम कर ले लेना। अच्छा 16,750। तो यही वो सिग्नल है भाई जहाँ पे हमारा चालान हुआ था। ये यहीं पे हमारा स्पीड वाला चालान हुआ है ये, और इस टाइम हमारी स्पीड है खाली 40। उस दिन हमारी 84 थी और चालान हो गया 2000 का। तो आप लोग भी इस रोड पे जब भी चले, ये रोड काफ़ी लोग पहचान रहे होंगे, तो हमेशा अपनी स्पीड 60 से कम रखें, वरना चालान आपके सीधे फ़ोन पे मैसेज आएगा। मेरे तो मैसेज भी नहीं आया था, मैंने ऑनलाइन जब चेक किया तब पता चला है चालान। जो पहले ब्लॉग देखोगे भाई जान रहे होंगे, आज भी हमको ये रेड ही मिला है, ग्रीन नहीं मिल सकता ये सिग्नल। इसकी हमसे कोई दुश्मनी लग रही है। तो 3 महीने हो गए और आज तक ये सिग्नल हमको ग्रीन नहीं मिला है, और आज भी आप लोग को मैंने दिखा दिया कि आज भी रेड ही मिला हमको। और टाइम अभी है, अभी 10 मिनट और बचे हैं क्लास शुरू होने में, तब तक हम पहुँच जाएंगे, बगल में ही है। तो दिखाते हैं, और अभी हमारा जो चल रहा है वो हॉस्पिटैलिटी का हमारा कोर्स चल रहा है। आप तो पहुंच गया भाई मैं फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट में। घुसते मुझे 2 मनुष्य दिख गए सामने ही। अब पता नहीं दिन कैसा जाएगा मेरा, कैसा नहीं। अच्छा जाएगा। हमारी तो क्लास सब शुरू होने वाली है जस्ट, और उन लोगों की छुट्टी होने वाली 5 मिनट में, और ये लोग टाइम खराब कर रहे थे यहाँ बाहर खड़े होकर पानी पीने के बहाने से। भाई शेखर ये लोग जा रहे हैं, लोगों की छुट्टी हो गई, और ये भाई शेखर और इसका हो गया था फिर जा रहा वापस। कंपनी ने हाथ जोड़ ली थी, तुम लोग चले गए वरना कंपनी लोग बंद हो जाती है। और मैं चल रहा हूँ, मेरी क्लास शुरू हो गई है, मैं जा रहा हूँ क्लास में, और ये लोग टाइम पास। सर्विस स्टैंडर्ड्स टू हैंडल ऑल गेस्ट कंप्लेंट्स पर्सनली एंड इंश्योर कंप्लायंस टू मेंटेन लॉग बुक। खत्म, और इधर ये भूखा का टिफिन खोल लिया अपना, और इधर अभिजीत भाई अपना, और मैं निकलता हूँ घर। मैं नहीं आया। और ये भाई अपना अभिजीत, ये फिर कोई गर्लफ्रेंड बनाया नहीं। नहीं गर्लफ्रेंड, ये बैठी हुई है लाइव, कोई नहीं है। अच्छा ठीक, ये तुम्हारा गर्लफ्रेंड है? गजब टू भी आदमी।
कुछ खा के तो तुम लोग अपना टिफिन एंजॉय करो, मैं चलता हूँ, बाय। और अब मिलते हैं तुम लोग से कल। हम गाड़ी में और अब निकलते हैं हम घर के लिए, क्योंकि अभी हमको जिम में जाना है शाम को। और आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में या मुझे इंस्टा पे डीएम करना, अगर वर्कआउट की वीडियो चाहिए होगी तो मैं वर्कआउट की वीडियो डालूंगा। और आज काफ़ी अच्छा लगा हम लोग को इंस्टीट्यूट में, क्योंकि दो तीन बच्चे आए थे जिनका सिलेक्शन भी हुआ था। एक लोग का एयरबस में हुआ था और एक का इंडिगो में हुआ था, एक का एज अ कैबिन क्रू हुआ और दूसरे का जो आया था उसका एज अ सिक्योरिटी ऑफिसर हुआ है इंडिगो में। तो अच्छा लगता है जब ऐसे सब भाई मतलब आते हैं जो बताते हैं कि भाई हमने ये मेहनत की और आप लोग ऐसे ऐसे करना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे मैं सुबह बता रहा था कि फ्रैंकफिन में अगर आप एडमिशन लेते हो तो फ्रैंकफिन आपको इतना प्रिपेयर कर देगा कि आप इंटरव्यू क्रैक कर लो, बाकी आपको अपने ऊपर रहता है। तो जो भाइयों ने मुझसे डीएम करके पूछा था गारंटी वाली बात, तो आई होप कि उनको उनका आंसर मिल गया होगा। अरे जा बोलकर तो मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने भाई का ऐसे ही प्यार देते रहिए। राम राम सभी भाइयों को।